घर और किचन का काम जितना देखने में इजी लगता है उतना ही करना उसे मुश्किल होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके मुश्किल से मुश्किल काम को भी बेहद आसान बना देंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला टिप। दोस्तों, जब भी हम खलबट्टा में अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च, कोई भी खड़ा मसाला कूटते हैं ना, तो बहुत ज्यादा आवाज करता है स्लेब के ऊपर। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा जब भी आप मसाला कूटेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, फॉर्म शीट का एक छोटा सा पीस लेना है, राउंड शेप में कट कर लेना। ये फॉर्म शीट वो है जो हमारी सूट की पैकिंग में से आती है ना, वो वाली। अब खलबट्टा के बैक साइड में हमें फेविक्विक लगाना है और इस छोटे से फॉर्म शीट के पीस को पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से पेस्ट हो जाएगा ये। अब इसे सीधा करेंगे। अब इसके अंदर कोई भी मसाला हम कूटेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा। दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है और बहुत ही काम आएगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, और बहुत आसानी से मसाला भी कूट जाता है और आवाज तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। दोस्तों, कई बार हमारे मसाले के जो डब्बे होते हैं ना, चाहे वो प्लास्टिक के हों, कांच के हों, स्टील के हों, उनके जो ढक्कन है कई बार लूज हो जाते हैं। ये देखिए, इसका ढक्कन बहुत ही लूज है और कई बार ना इसमें हम सामान भर कर रख देते हैं, गलती से गिर जाता है तो सारा मसाला फैल जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगी ढक्कन को टाइट करने की। बस आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सेलो टेप लेनी है। जैसे मेरे पास ब्लू कलर की रखी है, ढक्कन से मिलती जुलती, आप कोई भी कलर की ले सकते हैं, व्हाइट कलर की ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद जहां पर ढक्कन लगाते हैं उधर की साइड हमें सेलो टेप को लगा लेना, 2 से 3 राउंड इस तरह से। एक्स्ट्रा टेप को कट कर लेंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि जो इसके ऊपर लाइनिंग बनी हुई है ना, उनके ऊपर टेप आसानी से पेस्ट हो जाए। उसके बाद आप ढक्कन लगाकर देखिएगा, ढक्कन बहुत ही टाइट से बंद हो जाता है। अगर ये डब्बा गिर भी जाएगा ना, तो ढक्कन नहीं खुलने वाला है। ये देखिए, तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% काम आने वाली है। अब 2-3 महीने के बाद अगर ये टेप हटने लगती है तो दूसरी टेप पेस्ट कर लीजिए इस तरह से। तो आप किसी भी डब्बे के ढक्कन को टाइट कर सकते हैं। मैं ये ट्रिक हमेशा ट्राई करती हूँ, तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट ट्रिक। जब भी खड़े मसाले लेकर आते हैं, चाहे वो जीरा, अजवाइन, सौंफ, राई, कोई भी मसाला हो, तो उसे डायरेक्ट डब्बे के अंदर भरकर मत रखिएगा। उसे छान लीजिए पहले छलनी से, फिर उसे भरकर रखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि उसके अंदर ना छोटे छोटे कंकड़, रेत, मिट्टी, तिनके होते हैं जो हमारे सब्जी में चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सब्जी के अंदर ना छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं जो इस मसाले से ही जाते हैं और वो पेट में चले जाते हैं, पथरी का कारण बन जाता है। तो आप जब भी मसाला लेकर आते हैं, उसे पहले छान लीजिए, फिर उसके बाद किसी भी डब्बे के अंदर भर कर रखिएगा। ये देखिए कितना सारा कचरा निकल कर आता है इसके अंदर, और देखने में लगता है कि बिल्कुल वो साफ है। अब इसे भर कर रख देंगे हम एक डब्बे के अंदर। अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट ट्रिक। जो भी हम बिंदी लगाते हैं, अब गर्मियों का टाइम है तो हम देखते हैं ना, कई बार हम माथे पर लगाते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद ही बिंदी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से उसकी जो गम होती है ना, वो पिघल जाती है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, बिंदी की जो गम है ना, वो बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी और ना ही बिंदी हटेगी। बस आपको क्या करना है, लगाने से पहले आपको थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज के अंदर रख देना है। ऐसा करने से इसकी जो गम है ना, बहुत थिक हो जाती है और जब आप उसे यूज करेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं हटेगी। वरना इसकी गम है जो पिघल जाती है और वो बार बार हटकर कहीं और ही पहुंच जाती है, हमारे माथे से हटकर। ये देखिए मैं कितना इसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हटने वाली है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट ट्रिक। ये हमारे प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन है जो बहुत ही काम आने वाले हैं। बोतल का तो यूज हमने कर लिया था, लेकिन ढक्कन है वो ऐसे ही पड़े थे काफी दिनों से। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी ढक्कन की, जो बहुत ही आपके काम आएगी और आपकी बहुत बड़ी मुश्किल को भी दूर कर देगी। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 ढक्कन एक ही साइज के लेने हैं, या तो फेविक्विक से पेस्ट कर लीजिए ने, या ग्लूगन से। दोनों ढक्कन को इस तरह से पेस्ट कर देना है। उसके बाद लेनी है 2 साइड टेप, जो डबल साइड टेप होती है ना, छोटा सा पीस लेना है और ढक्कन के एक साइड हमें इसे लगा देना है इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा टेप है उसे कट करके अलग कर देंगे और इसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ होता है, उसे हटा देना है। अब इसका यूज कैसे करना, चलो मैं बताती हूँ। जो हमारे दरवाजे होते हैं उनके पीछे हैंडल लगा हुआ होता है पकड़ने वाला, अब हम इसे जैसे बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, तो वो दीवार से टकराता है, उसकी वजह से उसके ऊपर निशान पड़ जाता है दीवार के ऊपर।
तो जहां पर भी ये टकराता है उधर की साइड ये ढक्कन को हमें लगा देना है, जिधर से हमने टेप लगाई थी। अब देखिए, जब भी हम इसे खोलेंगे बंद करेंगे तो ये दीवार पर नहीं टकराएगा, ये जो ढक्कन है ना उसके ऊपर ये हैंडल लगेगा, तो हमारी दीवार बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। ये ऐसी ट्रिक है जो बच्चों के बहुत ही काम आएगी, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं। बच्चों के पास में इस तरह के छोटे छोटे पेपर के पीस बच ही जाते हैं जब वो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो चलो उनके पढ़ाई के लिए एक ऐसा सामान बनाकर हम तैयार करने वाले हैं जो उनके बहुत ही काम आने वाला है। बस इसमें से छोटा सा पीस कट करना हमें सिक्वर, जिसकी चौड़ाई और लंबाई सेम है 3.5 इंच, चौड़ाई है इसकी और 3.5 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से फिर उसे फोल्ड करना है कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसे कट कर देंगे तो इसकी कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। अब इन्हें बच्चे जब दे दीजिए, बच्चे अपने पेज में इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने चैप्टर को कहाँ पर छोड़ा था। और ये आप भी ट्राई कर सकते हैं जैसे गीता या रामायण पढ़ते समय, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, अब उन्हें आसानी हो जाएगी नेक्स्ट डे पेज को खोलने के लिए। अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट ट्रिक। घर में जो हमारे प्लास्टिक के टब, बाल्टी, मग या मूढ़ी होती है, कई बार वो चटक जाती हैं इस तरह से, ये देखिए। अब उन्हें हम या तो भंगार में बेच देते हैं या फिर उसमें ऐसे ही कबाड़ भर कर रख देते हैं। आज मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ बहुत ही सस्ते में, जो आप इस तरह के टूटे बर्तन को घर पर ही पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही सस्ता भी तरीका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए मेरा नया टब है और ये ऐसे चटक गया है कि इसका यूज ही नहीं होता है। पहले मैं आपको पानी भरकर दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए पानी भरने के बाद में ना इसमें इस तरह से फैल जाता है। अब मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ, मैं इसका यूज करने वाली हूँ, और किस तरह से वो चलो आपको मैं बताती हूँ। पहले हमें क्या करना है, पानी को सुखा लेना है अच्छे से, पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए बर्तन के ऊपर। उसके बाद में कोई भी आप इनो का पैकेट ले लीजिए, मेरे पास इनो रखी है एक्सपायरी डेट निकली हुई, आप इसकी जगह मैदा या आटे का भी यूज कर सकते हैं। और जहां से बर्तन चटका हुआ है ना प्लास्टिक, उधर की साइड हमें इसे फैला देना है अच्छे से, पूरे को कवर करना है। फिर उसके बाद में लेनी है फेविक्विक। फेविक्विक मेरे पास ये बड़ी डिब्बी रखी है, आप छोटी वाली ले सकते हैं 5 रुपए वाली, और पूरा जो इनो हमने फैलाया ना उसे कवर कर देंगे इससे। थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देना है, और सूखने के बाद ये बहुत ही हार्ड लेयर बन जाती है। ये देखिए अब बिल्कुल भी पानी नहीं गिरने वाला है, मैं आपको पानी भरकर दिखाती हूँ इसके अंदर। तो जब भी कोई भी प्लास्टिक का बर्तन चटक जाता है, टूट जाता है, तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही काम आएगी और आपका टूटा हुआ बर्तन एकदम से सही भी हो जाएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है नीचे की साइड से, तो ये ट्रिक आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो हर रोज की तरह एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।